दोस्तों, आईपीएल के हर मैच में कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी ज़रूर होता है जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, और अब तक आईपीएल के इतिहास में कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ये अवार्ड एक दो नहीं बल्कि कई बार जीते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएल इतिहास के उन 10 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पाने वालों की लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है दोस्तों रविंद्र जाडेजा का। रविंद्र जाडेजा अब तक आईपीएल के 4 टीमों से खेल चुके हैं जिनमें राजस्थान रॉयल्स, कोची टस्कर्स केरल, गुजरात लायंस और सीएसके। इन 4 टीमों से जाडेजा खेलते हुए अब तक 240 मुकाबले आईपीएल के खेल चुके हैं जिनमें से इन्हें 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़े दोस्तों, तो इस लिस्ट के 9वें नंबर पर नाम आता है आंद्रे रसल। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसल भी ये कारनामा कर चुके हैं। आंद्रे रसल अब तक आईपीएल के 2 टीमों से खेल चुके हैं, पहला दिल्ली डेयर डेविल्स और दूसरा केकेआर, और अभी तो वो फिलहाल केकेआर के कोर बने हुए हैं। इन 2 टीमों से खेलते हुए आंद्रे रसल ने अब तक आईपीएल के 125 मुकाबले खेल चुके हैं, और इन 125 मुकाबलों में उन्होंने 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी पाया है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो नंबर 8 पे नाम आता है यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान आईपीएल के अब तक 3 टीमों से खेल चुके हैं, पहला राजस्थान रॉयल्स, दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरा केकेआर। इन 3 टीमों से यूसुफ पठान खेलते हुए अब तक 174 मुकाबले आईपीएल के खेल चुके हैं, और इन 174 मुकाबलों में इन्होंने 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। उसके बाद नंबर 7 पर नाम आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉटसन का। शेन वॉटसन अपने आईपीएल करियर में 3 टीमों में हिस्सा लिया था, पहला राजस्थान रॉयल्स, दूसरा आरसीबी और तीसरा सीएसके। इन 3 टीमों से शेन वॉटसन ने 145 मुकाबले आईपीएल के खेले थे जिनमें से उन्हें 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आगे बढ़े दोस्तों, तो नंबर 6 पर नाम आता है हमारे कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अब तक आईपीएल के 2 टीमों से खेल चुके हैं, पहला सीएसके और दूसरा राजेंद्र पुणे सुपर जायंट्स। इन 2 टीमों से खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने 264 मुकाबले आईपीएल के खेले हैं जिनमें से उन्होंने 17 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो कैप्टन कूल के बाद नंबर 5 पे नाम आता है हमारे किंग कोहली यानी विराट कोहली का। दोस्तों आपको तो पता ही है कि विराट कोहली शुरुआत से ही आरसीबी के हिस्सा रहे हैं और वो अब भी आरसीबी से खेल रहे हैं और आने वाले समय में भी वो आरसीबी से खेलते हुए नजर आएंगे। तो अपने आईपीएल करियर में विराट कोहली ने अब तक 252 मुकाबले आईपीएल के खेले हैं और जिनमें से उन्हें 18 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो नंबर 4 पे नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर अब तक आईपीएल में 2 टीमों से खेल चुके हैं, पहले वे सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेला करते थे और अभी वो वर्तमान समय में दिल्ली कैपिटल के हिस्सा हैं। इन 2 टीमों से खेलते हुए डेविड वार्नर ने आईपीएल के 184 मुकाबले खेले हैं जिनमें से उन्होंने 18 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो नंबर 3 पर नाम आता है हमारे कैप्टन इंडिया यानी रोहित शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा कई बार करके दिखाया है। रोहित शर्मा अब तक आईपीएल के 2 टीमों से खेल चुके हैं, पहले वे डेक्कन चार्जर्स के हिस्सा थे लेकिन उसके बाद वो मुंबई इंडियंस में आ गए हैं और वो अभी मुंबई इंडियंस की ओर से ही खेल रहे हैं। इन 2 टीमों से खेलते हुए रोहित शर्मा अब तक आईपीएल के 257 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 19 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। इसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो नंबर 2 पे नाम आता है वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की अगर बात हो रही हो रिकॉर्ड की तो वहां पर क्रिस गेल का नाम आना ही आना है। क्रिस गेल अब तक आईपीएल के 3 टीमों से खेल चुके हैं, पहले वे केकेआर की ओर से खेला करते थे, उसके बाद फिर आरसीबी से और उसके बाद फिर किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रह चुके थे, और इन 3 टीमों से खेलते हुए उन्होंने आईपीएल के 142 मुकाबले खेले हैं और इन सभी मुकाबलों में उन्होंने 22 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो इस लिस्ट के टॉप पर नाम आता है एबी डिविलियर्स का। जी हाँ दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने तो आईपीएल में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनमें से ये एक है। एबी डिविलियर्स अब तक आईपीएल के 2 टीमों से खेल चुके हैं, पहले वे दिल्ली डेयर डेविल्स के हिस्सा रहे थे, उसके बाद फिर वो आरसीबी का हिस्सा बने। इन 2 टीमों से खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के 184 मुकाबले खेले और इन 184 मुकाबलों में उन्होंने 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। दोस्तों ये आंकड़ा बहुत बड़ा है,
क्योंकि अब तक 3 साल हो चुके हैं एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट के, लेकिन अब तक कोई ऐसा बल्लेबाज दिखा नहीं है जो ये इनका रिकॉर्ड तोड़ सके। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, जैसे कि अभी विराट कोहली हैं, अभी रोहित शर्मा भी हैं और डेविड वार्नर भी अभी आईपीएल खेलेंगे, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों में से कोई एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।